हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी बीजेपी समेत कई पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। तो R9 टीवी के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि बीजेपी में करीब 45 ऐसे नाम हैं जिनको टिकट मिलना तय माना जा रहा है, जबकि 17 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कट सकता है। तो 21 अक्टूबर को हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। हम आपको दिखाते हैं कि ऐसे 45 शहर हैं जिन पर बीजेपी दाव खेलने की तैयारी कर रही है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर बीजेपी में किसका बेड़ा पार होगा। यमुनानगर से घनश्यामदास अरोड़ा को टिकट दिया जा सकता है, ये संभावित चेहरे हैं। तो शाहबाद से कृष्ण बेदी, थानेसर से सुधा को मिल सकता है टिकट, कैथल से अगर बात करें तो कैलाश भगत, पुंडरी से दिनेश कौशिक जो है वो संभावित चेहरे हैं, नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी, घरौंडा से हरविंदर कल्याण बीजेपी की तरफ से संभावित चेहरे, तो समालका से रविंद्र मचरोली, राय से कृष्णा जयलावत जो है वो हो सकते हैं संभावित चेहरा। तो वहीं गोहाना से रामचंद्र जांगड़ा, खरखौदा से तो किलोई की अगर बात करें तो सतीश नांदल है, रोहतक से मनीष ग्रोवर, महम से शमशेर खरकड़ा, बहादुरगढ़ से नरेश कौशिक का जो है वो नाम सामने आ रहा है, जींद से कृष्ण मिश्रा, जुलाना की बात करें तो परमिंदर ढोल को जो है यहाँ से टिकट दिया जा सकता है, हिसार से कमल गुप्ता, भिवानी से घनश्याम दास सर्राफ को जो है टिकट मिल सकता है, लोहारू की बात करें तो जेपी दलाल, नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव को। तो ये वो संभावित चेहरे हैं जो बीजेपी की तरफ से माने जा रहे हैं। तो अटेली से संतोष यादव, महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा, कोसली से जगदीश यादव को टिकट मिल सकता है, तो बादशाहपुर से राम नरवीर, तो सोहना से तेजपाल तंवर, नूह से जाकिर हुसैन। तो टिकट की रेस में संभावित चेहरे हम आपको बता रहे हैं, बुरहाना से शाहिद खान, तो फिरोजपुर शिरका से नसीम अहमद।